नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक खास गुण के बारे में जो अगर आपके अंदर है तो लक्ष्मी जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, यानी कि आपके पास या आपके ऊपर कितनी भी समस्याएं या मुसीबतें आ जाएं, लक्ष्मी जी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी अगर आपके पास यह खास गुण है तो। लेकिन दोस्तों, यह खास हम जानकारी आपको एक कहानी के जरिए देंगे और आज हम आपको सुनाएंगे एक दिलचस्प पौराणिक कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, एक समय की बात है, विभूसेन उदार और प्रजासल राजा थे। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों की दुर्दशा देखकर एक बाजार लगवाया। उन्होंने घोषणा करवाई कि संध्या काल तक जो कलाकृति अनबिकी रह जाएगी उसे वह स्वयं खरीद लेंगे। एक दिन बाजार में एक शिल्पकार की सभी मूर्तियां बिक गई सिवाय एक के। वह मूर्ति अलक्ष्मी की थी। शिल्पकार उसे लेकर राजा के पास पहुंचा। मंत्री राजा के पास था। उसने सलाह दी कि अलक्ष्मी की मूर्ति देखकर लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं, लेकिन राजा अपने वचन से बंधे थे, इसीलिए उन्हें वह मूर्ति खरीदनी पड़ी और उन्होंने दिलचस्पी में वह मूर्ति ले भी ली। दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर राजा जब सोने चले तो उन्होंने रोने की आवाज सुनी। राजा ने देखा कि बेशकीमती वस्त्र आभूषण से सुसज्जित एक स्त्री रो रही है। राजा ने उसका कारण पूछा तो जवाब मिला, मैं लक्ष्मी हूं। आज अलक्ष्मी की मूर्ति लाकर आपने मेरा अपमान किया, आप उसको महल से बाहर निकालें। राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह वचन से बंधे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी चली गई। राजा लौटने लगे, तभी फिर से आहट हुई। राजा ने मुड़कर देखा तो वहां नारायण खड़े थे। उन्होंने कहा, आपने मेरी पत्नी लक्ष्मी का अपमान किया है, इसीलिए मुझे भी जाना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, और वह अपने कक्ष में जाने के लिए मुड़ गए। तभी एक और दिव्य आकृति पर उनकी निगाहें पड़ी। आप भी इस महल को छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, राजा ने कहा। वहीं आकृति बोली, मैं धर्मराज हूं, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूं। उसी रात राजा ने सपने में देखा कि नारायण और लक्ष्मी जी उनसे कह रहे थे, राजन, जहां धर्म है वही हमारा ठिकाना है, हम वापस लौट रहे हैं। और आपकी यह कहानी साथ ही साथ धर्म को लेकर जो आपकी सोच है उसके चलते हम सदैव आपके साथ रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे आप कितना भी विश्वास, फरेब, धोखा, प्यार, यह सब होगा, हम शायद वहां टिके या ना टिके, लेकिन जहां धर्म होगा, जो धर्म का पालन करेगा, हम सदैव उसके साथ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये गुण है कि आप धर्म से बंधे हुए हैं, यानी कि आप श्रद्धा से साथ ही साथ धर्म की नीति का पालन करते हैं, तो आपके साथ हमेशा नारायण और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।